हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एटीएम मुंबई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को लेवल ट्रांसमीटर की चेकिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे इसको चेक करते हैं, इसकी रेंज कितनी पड़ी है, क्या MMH2O, इंच HG, MMWC वाटर कॉलम, तो इसकी रेंज क्या पड़ी है। सबसे पहले आज इसके बारे में बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, दिस इज़ अ LT लेवल ट्रांसमीटर है जिसकी वैल्यू है MMH2O, ठीक है। और ये डिजिटल प्रेशर गेज है, ये अपना डिजिटल प्रेशर गेज है, इसे यहाँ से ऑन ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊँगा, पहले आपको डायग्राम में बता दे रहा हूँ। ये डिजिटल प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज का इनलेट है, इसके अंदर जो है प्रेशर ऐसे आएगा, ऐसे इसके अंदर प्रेशर आएगा। और ये लेवल ट्रांसमीटर में ये फ्लेंज है, ठीक है, ये हमारा लेवल ट्रांसमीटर है। ये फ्लेंज दिखा दे रहा हूँ, ये फ्लेंज है, इतने को फ्लेंज बोलते हैं, और ये अपना लेवल ट्रांसमीटर है, ठीक है। तो इसमें गैस्केट लगती है ताकि एयर का लीकेज ना हो, ओके। और हम यहाँ से इसको प्रेशर देते हैं, और प्रेशर गेज में, डिजिटल प्रेशर गेज में यहाँ से इनलेट में प्रेशर देते हैं। अभी मैं इसको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, यहाँ से प्रेशर दिए लेवल ट्रांसमीटर में फ्लेंज के हिसाब से, और ये डिजिटल प्रेशर गेज में जो अभी दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, ये एयर फिल्टर रेगुलेटर है, ठीक है। एयर फिल्टर रेगुलेटर से ये देखिए, ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर के थ्रू मैं इसमें प्रेशर दूंगा। और ये हमारा टी है, टी देखिए, आप ये टी देख सकते हैं, इसमें मेन एयर का प्रेशर आएगा, और ये एक फ्लेंज में जाएगा और एक प्रेशर गेज में जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसा थोड़ा दूरी में, ठीक है, ये तो फ्लेंज में चला गया, ये प्रेशर गेज में चला गया, और ये विद हेल्प ऑफ टी, ठीक है। और जो है ये रेगुलेटर का आउटलेट जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम के बारे में और डिस्कस करते हैं। ये SMPS है, ट्रांसमीटर को चलाने के लिए 24 वोल्ट पॉजिटिव देते हैं, ट्रांसमीटर के उसमें पॉजिटिव लिखा रहेगा, उसमें जो है 24 वोल्ट पॉजिटिव देना पड़ेगा, जो कि ट्रांसमीटर में लिखा रहेगा प्लस, ठीक है, तो उसमें 24 वोल्ट देना पड़ेगा। और जो निगेटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव वाला वायर आप मिली एम्पियर को सीरीज में लगाएंगे। सीरीज का मतलब आप देख सकते हैं, ये मिली एम्पियर है, ऐसे यहाँ पे ऐसे आप मिली एम्पियर में कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, और मल्टीमीटर को सिलेक्ट करेंगे मिली एम्पियर पे, और फिर जो है 4 मिली एम्पियर, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, आप इसको 5 स्टेप में चेक करेंगे। और चेक कैसे करेंगे, इस ट्रांसमीटर को जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो इसमें वैल्यू, ट्रांसमीटर में जो वैल्यू दिखेगा और इस प्रेशर गेज में जो वैल्यू दिखेगा, दोनों का सेम वैल्यू आना चाहिए, तो आप समझेंगे कि हमारा ट्रांसमीटर जो है सही है। मान लो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसमें 1000 MMH2 है, इसमें 500 MMH2 है, तब तो इसको आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। बट आज मैं आपको केवल चेक करने के लिए बताने जा रहा हूँ कि चेक कैसे करते हैं। तो अब समझ गए होंगे, ये 24 वोल्ट ट्रांसमीटर में दिए, और निगेटिव वाला SMPS से 24 वोल्ट को जो है, निगेटिव 0 वोल्ट जो है मिली एम्पियर को मैं कनेक्ट करूँगा, और दूसरा वायर जो है LT में लेवल ट्रांसमीटर में यहाँ पे लगा दूँगा। आप देख सकते हैं ऐसे, मैं तो डायरेक्ट लगा दिया हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला 24 वोल्ट डायरेक्ट इसको दिया हूँ, और मिली एम्पियर का जो मैंने दिया था इसमें निगेटिव ये सिंबल बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। ये राकेश जी हैं, इस टाइम रिपेयर कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं यहाँ पे, तो हम लोग के साथ में ही हैं। तो आज जैसे एक काम कर रहे हैं, अपना वर्कशॉप है, बहुत कुछ यहाँ पे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं काम करने के लिए, बहुत है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना। और चल रहे हैं आपको स्टार्ट करने, और इसको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांसमीटर को ऑन करता हूँ, प्रेशर गेज को मैंने पहले से ऑलरेडी ऑन किया है, यहाँ से इस बटन को दबा के मैंने ऑन किया है प्रेशर गेज को। तो अभी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो इतना MMH2O नथिंग के बराबर है, 50 MMH2O। तो जैसे मैं ऑन करता हूँ अभी इसको, राकेश थोड़ा इसको ऑन कर देते, ये
देखिए राकेश जी ऑन कर रहे हैं अभी इसको, SMPS से ऑन कर दिए, और ऑन करते ही मैंने मल्टीमीटर को ऑन कर दिया, ठीक है। और जो है आप देख सकते हैं इधर, ठीक है, ये 4.2 बिना प्रेशर दिए हुए, जैसे जैसे मैं इस रेगुलेटर से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ से मैं इसका इनलेट जो है, एक मिनट, मैं ये रेगुलेटर का जो आउटलेट है यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों में प्रेशर बराबर जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा यहाँ पे मिली एम्पियर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाते ही मिली एम्पियर बढ़ेगा, ये आप देख सकते हैं। और आपको ये प्रेशर गेज को भी मैं दोनों साथ में ही दिखाऊंगा ताकि अच्छे से दिखाई दे, तीनों को एक जगह पे दिखाऊंगा तब आप अच्छे से कर सकते हैं। राकेश जी थोड़ा सा आप उधर से बढ़ाइएगा, आप इन्हें देख सकते हैं हेल्प कर रहे हैं बहुत यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप धीरे धीरे जैसे बढ़ाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें 112 इसमें आ रहा है, और ठीक है आपको 8 मिली एम्पियर पर पहले दिखा रहा हूँ, 7.6 मिली एम्पियर आ गया है, 7.6 मिली एम्पियर पे ये 974 है और इसमें 908 है, थोड़ा बहुत जो इरर है ये चलता है, ठीक है। ट्रांसमीटर में 909 है और इसमें 982 है, इतना तो इरर ऑलरेडी पहले से इस गेज में था 50 mm², ठीक है। और जो है अभी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए अब 12 मिली एम्पियर करके आपको दिखाएंगे। इन दोनों में जैसे कि यहाँ से जो टी है, इस टी से दोनों में इक्वल प्रेशर जा रहा है, और ये आपको देखना है ये लीकेज नहीं रहना चाहिए, अगर लीकेज है तो आपका ट्रांसमीटर में जो है प्रेशर थोड़ा सा कम दिखाएगा, ठीक है। और जैसे ये बढ़ाते जा रहे हैं 10 mA आ गया, 4 to 20 mA पे इसको मैं चेक कर रहा हूँ, 4 mA पे 0 kg प्रेशर आना चाहिए, और 20 mA पे जो इसकी हाईएस्ट रेंज पड़ी है, अभी देखते हैं कि हाईएस्ट रेंज कितनी पड़ी है। देखिए 12 mA आने वाला है, वहाँ से रेगुलेटर से रेगुलेट करके इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं इस टाइम, और ये आप 12 mA मान लो समथिंग हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसमीटर में वैल्यू कितना है, ये अब आने वाला है अभी 2135 इसमें है और 2305, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से लीकेज टाइप से है, अब हो गया सही हो गया, अब सही आ जाएगी इसकी वैल्यू। अभी बताया था एरर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है। 4380 और 44 अभी जो है 108 कुछ एरर टाइप से बता रहा है, लगता है वायर कहीं से हिल गया है क्या, नहीं नहीं 20 mA हो गया ना, ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दे दिए। हाँ एक चीज़ और इसकी खास बात है, अगर जैसे 20 mA इसमें हो गया तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा प्रेशर आने पे ये एरर बताने लगता है, ठीक है। तो जो है इसका ये 19 आ गया, अब इसमें दोनों की वैल्यू दिखा रहा है 3747 3794। जैसे 20 mA आएगा तो इसमें 4000 mm² है इसमें होना चाहिए, 4000 mm² है इसमें, दोनों में बराबर आना चाहिए। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहता है, या तो इसमें थोड़ा एरर था पहले से 50 mm², तो उसका छोड़ दीजिए आप लोग, और आपको ये दिखा रहा हूँ दोनों में बराबर आ जाएगा, ठीक है। 19.5 है मिली एम्पियर और इसमें जो है 3960 3909, तो बराबर आ रहा है, इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे हम इस ट्रांसमीटर को चेक करते हैं, ऐसे ट्रांसमीटर को हम चेक करते हैं उधर से, विद डायग्राम में आप देख के समझ सकते हैं कि मुझे कैसे चेक करना है, वो चीज़ आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है यू कैन कमेंट मी, ओके।